हेलो एवरीवन टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर वन वेयर टू लुक फ्रॉम फॉर क्लास थर्ड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मैनी थिंग्स देखो इन चैप्टर नंबर वन क्लास थर्ड के लिए जो वेयर टू लुक फ्रॉम है इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि मतलब हम लोग कैसे कोई चीज़ को हम लोग देखते हैं जैसे हर एक का अपना अपना देखने का तरीका होता है जैसे मान लो कि हम, कि हम लोग किसी भी चीज़ लाइक like एग्जांपल अगर मेरे घर के नीचे कार खड़ी है तो अगर मैं उसको छत से देख रहा हूँ तो छत से देखूँगा तो वो कैसे नज़र आएगी ऊपर का पार्ट नज़र आएगा उसी को मैं नीचे से अपने घर की तरफ से देखूँगा इस तरफ से तो वो राइट की तरफ से नज़र आएगी उस से तो तरफ से देखूँगा तो लेफ़्ट तरफ से नज़र आएगी आगे से देखेंगे तो फ्रंट तरफ से नज़र आएगी और पीछे से देखेंगे तो बैक की तरफ से नजर आएगी तो कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिसमें हम लोग ये लोग वेयर टू लुक फ्राम चैप्टर में चैप्टर नंबर वन में पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पर चैप्टर नंबर वन में यहाँ देखते होंगे लिखा हुआ है अवर टीचर टोल डस्ट टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ कार मतलब एक टीचर थी तो एक टीचर ने एक टास्क दिया दो बच्चों को कि तुम्हें कार बना के ले आनी है तो नेक्स्ट डे वेन वी शोड आवर पिक्चर टू अदर वी आर वेरी एक्साइटेड कि मतलब जै नेक्स्ट डे जैसे वो बच्चे पिक्चर्स बना के लाए और टीचर को दिखाए लेकिन अंशुल की जो पिक्चर थी उस पर सब हंसने लगे बिकॉज ही इज़ लुकिंग एट धीरज ड्रॉइंग ऑफ कार क्योंकि वो धीरज की ड्रॉइंग भी देखने लगे तो उसकी भी ड्रॉइंग भी वैसी थी क्योंकि कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको डिज़ाइन दिखती होगी कि धीरज ने कार की डिज़ाइन अपर साइड से बनाई है और अंशुल को देख रहे हो कि साइड से बनाया है तो इसका मेन इम्पैक्ट क्या है देखें जैसे अंशुल सेड इट्स लुक लाइक अ स्मॉल बॉक्स कीप्ड इन अ बिगर वन देन अंशुल शोड इज ड्राॅइंग टू धीरज तो अंशुल ने धीरज को दिखाई और धीरज ने अपना अंशुल को दिखाई तो भाई अंशुल धीरज के ऊपर हंस रहा था क्यों हंस रहा था लेकिन धीरज भी गलत नहीं है और अंशुल भी गलत नहीं है क्यों क्योंकि दिखने दिखने का तरीका देखो बोथ ऑफ देम ड्यू द पिक्चर दम सेम कार दोनों ने सेम कार बनाई है बट अ ड्राॅइंग लुक डिफरेंट बट उनकी ड्राॅइंग क्या है डिफरेंट है क्यों डिफरेंट है धीरज सेट ही हैड लुक डेट अ कार फ्रॉम हस टेरिस देखो धीरज ने क्या कहा कि वो अपनी कार को कहाँ से दिखता है टेरेस से देखता है तो इसलिए उसको जो टेरेस से देखता है तो उसकी पिक्चर उसको इस तरीके से शो होती है और जो अंशुल होता है वो बोलता है कि मैंने पिक्चर को ऐसे देखा है तो उसको इस तरीके से शो होती है वो इसलिए ऐसे बनाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन एक कह रहा है कि धीरेज सेड हिज लुक्ड एट द कार फ्रॉम द टेरिस डू यू थिंक हिज फनी ड्रॉइंग इज़ राइट तो क्या तुम तो बोलोगे कि इसकी जो ड्राॅइंग है वो सही है कि गलत है तो उसकी ड्रॉइंग क्या है वो सही है क्योंकि उसने टेरिस से ऊपर से देखा तो उसको वैसे ही नजर आएगा तो इसलिए उसको बोलेंगे अप साइड से वैसे ही कई एग्जाम्पल्स नीचे दिए हैं हैव यू लुक एट अ डिफरेंट साइड्स अब यहाँ पर एक टेबल नज़र आ रही है तो टेबल को भी अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो फ्रंट नज़र आएगा साइड से देखेंगे तो साइड नज़र आएगी तो अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं तो इसके मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ जैसे आप एग्जाम्पल देखते होंगे जैसे लिखा है धीरज सेट हिज ही लुक डट अ कार फ्रॉम द टेरिस डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज़ राइट तो हमने आंसर में क्या लिखा है येस धीरज फनी ड्राइंग इज़ राइट बिकॉज वाई बिकॉज दैट ड्राइंग ही वॉज सीन फ्राम टेरिस क्योंकि उसने कहाँ से देखा था टेरिस से देखा था इसलिए उसकी ड्राइंग क्या है वो सही है उसकी ड्राइंग को हम गलत नहीं बोल सकते इसी तरीके से दूसरा हैव यू लुकड ऐट द थिंग्स फ्राम अ डिफरेंट साइड्स तो यस ये, आंसर इज यस दे लुक डिफरेंट तो इसी तरीके से चेयर को भी देखेंगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा अलग तरीके से हम अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम उसको देख सकते हैं फिर एक और नीचे पिक्चर दिए टेबल की तो लुक एट द पिक्चर ड्रॉन हेयर हाउ डज अ टेबल लुक फ्रॉम द साइड तो वो कैसे लुक कर रही है तो आंसर द टेबल इज लुक फ्रॉम द साइड शोन इन द्वाइनिंग फिगर अब देख रहे हो ये फ्रंट पार्ट से ऊपर के पार्ट से दिख रहा है तो इस तरीके से हम लोग पिक्चर्स के कई सारे एग्जाम्पल्स है तो वो हम लोग देख सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स डाउन साइड में आप लोगों को कई सारी पिक्चर्स दिखती होंगी यहाँ पर आपको वेयर दे लुक इज़ दिस अब इसको हम लोग देखेंगे तो कुकर को हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं अगर हम लोग फ्रंट से देखेंगे तो वो कुछ गोल टाइप का नज़र आएगा अपर से देखेंगे तो वो गोल टाइप और कुछ उसकी टाइप वो नज़र आएगी ऐसे देखेंगे तो इस टाइप का चप्पल इस तरीके से नजर आएगा तो कई डिफरेंट तरीके से हम लोग कैसे भी देख सकते हैं जैसे कोई चप्पल है उसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ऐसे नज़र आएगा बैक व्यू से देखेंगे तो कई तरीके से व्यू दिया है तो वेयर द लुक फ्रॉम चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कि हम लोग कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या क्या चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं अभी आप देख रहे होंगे कि प्रैक्टिस टाइम है प्रैक्टिस टाइम में सबसे पहला पॉइंट यह अ कैट इज पीपिंग इन टू अ क्लासरूम कैन यू हेल्प अर टू फाइंड आउट द द टीचर इज तो वहां टीचर कहाँ है तुम्हें तो बताना है कि वो टीचर कहां है द टीचर इज अब वो देखो कि जो कैट है वो कैसे क्लासरूम में झांक रही है और कई तरीके से बच्चों को ऊपर अपसाइड से देख रही है तो सारे सबको पता है कि टीचर कहाँ है तो टीचर यहाँ है वो अप साइड से देख रही है अगर वो कहीं और व्यू से देखेगी तो उसको कहीं और तरीके से नज़र आएगी तो एक नीचे बी वाला क्वेश्चन आपको दिया ये होमवर्क है इसमें आपको ये बताना है कि ये जो सारे एग्ज़ाम्पल दिए हैं स्टेयर केस और स्टेयर केस टेबल चेयर पेंसिल बस ये कौन कौन से व्यू नज़र आ रहे हैं कैसे व्यू हैं फ्रंट व्यू है, है बैक व्यू है कौन सा व्यू है तो इसमें मैं अपने आपको एग्ज़ाम्पल दिखा जैसे कि मैंने दिखाया है कि जो स्टेयर केस व्यू है वो कौन सा व्यू है ये साइड व्यू है और ये स्टेयर केस कैसा व्यू है ये फ्रंट व्यू है ये टेबल का कौन सा व्यू है टॉप का व्यू है और ये चेयर का कौन सा व्यू है साइड व्यू है और ये पेंसिल का कौन सा व्यू है फ्रंट और ये बस का कौन सा व्यू है साइड व्यू इज़ दैट क्लियर तो ये सारे व्यूज़ हैं और इसको कैसे कैसे हम लोग देखेंगे तो ये सारे व्यूज़ हमको नज़र आ रहे हैं कि स्टेयर केस ये है और स्टेयर केस को अगर हम ऐसे देखेंगे तो ऐसे नज़र आएगा टेबल को अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे नज़र आएगा तो इसमें हमें यही बताना है कि वेयर इज़ अ लुकिंग फ्रॉम कि मतलब कौन सा व्यू कौन सा कहाँ पर है